मैं भी रिकॉर्ड कर देता हूं। तो आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैशबोर्ड। तो सबसे पहले एक डेटा को हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ हमने डैशबोर्ड वन को यहाँ पे लेके डाला। अब डेटा है, अब चलिए इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिपोर्ट्स बनाते हैं, राइट सर। हमने डेटा को यहाँ पे ले लिया, एक बार डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या है। मुझे इस पे एक एनालिसिस या रिपोर्ट को बना के पब्लिश करना है और इसमें विजुलाइजेशन इस्तेमाल करना है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पहले क्लास में एक हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, तो जिसमें डेट है, नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है, डिवाइस है, मतलब कि हमारा कोर्स का इसमें एक तरह से डिवाइस है, किस साइट से आया है, ओल्ड है या न्यू है, कितने लॉग आउट, कितने कैंडिडेट हमारे हुए और कितने ड्यूरेशन का इसका कोर्स है आवर्स में। अब इसमें मुझे एक एनालिसिस दिखाना है। सबसे पहले तो मुझे सिटी वाइज ड्यूरेशन चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिटी को लिया और यहाँ पे हमने मान लीजिए लॉग काउंट को दे देता हूँ। ओके, अब सिटी जो है हमारा, इसको एक बार ये चार्ट में चला गया तो मैं एक बार इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे टेबल भी चाहिए, ठीक है सर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेबल ले लिया। उसके बाद मुझे मैप भी चाहिए, तो अब मैं मैप चार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम सिटी को लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मैप में सिटी सही से नहीं पिक करता है, तो आपको क्या करना होगा, तो इसमें मुझे क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए नहीं पकड़ता है सिटी में, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने सिटी को और यहाँ आपके पास मॉडलिंग में यहाँ डेटा कैटेगरी में अनकैटेगरी डेटा है, इस पर आप क्लिक करके आप इसमें ऑप्शन होता है कि डेटा क्या है उसको सेलेक्ट करने का, यहाँ हो गया। इसमें मैंने बोला कि सिटी, ये सिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का मैप का निशान आ गया, तो इसको बेटर होगा आप इसका यूज अगर करते हैं। और डेटा को मैं एक सीट पे रखता हूं, अब इसको माउस पॉइंटर से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहां पे हो गया, उसके बाद अब एक और प्रॉब्लम आती है कि मुझे कुछ फिगर देने हैं, जैसे कि मुझे देना है कि आखिर टोटल लॉगिंग हुए कितने हैं। जैसे यहां पे दिखा रहा है 13,135 हुआ, और मुझे इसमें दिख रहा है कि टोटल घंटे कितने दिया गया है, किस डिवाइस से कितना हुआ, ये सारी मुझे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो कुछ ही ऐसी चीजें होती है इसका सम चाहिए होता है। मुझे ये देखना है, जैसे कि मुझे ये देखना है कि यहाँ पे लॉग काउंट हो गया है, लॉग काउंट टोटल कितने हैं, तो इसमें पर डे कितना हमारा आ रहा है। बात समझे कि ये जो डेट है, ये हमारा डेटा है, इस डेटा में अगर मान लीजिए कि मैंने लॉग काउंट का सम जो 13,000 समथिंग वो आया है, तो मुझे यहाँ पे पर डे निकालना है। तो पर डे कैसे निकालना है? तो इसके लिए हम यहाँ मेजर्स की कैलकुलेशंस करेंगे, मेजर्स की कैलकुलेशन जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि कल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं निकालता हूँ पर डे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि सम, सम में क्या होना चाहिए, तो हमने बोल दिया लॉग काउंट, ओके, डिवाइड बाय, हमने यहाँ पे बोला मैक्स, मैक्स में क्या होना चाहिए, डे।
और हमने इसमें से माइनस किया मिन, और इसमें भी हम डेट सेम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा इसमें से एंटर मार। अब यहां आपको दिख रहा होगा कार्ड, कार्ड को लीजिए और जहां रखना है वहां पर रखिए, जैसे मुझे यहां रखना है और मैं पर डे को यहां के एक मिनट पर डे को यहां से क्लिक कर देता, क्लिक कीजिए और यहाँ पर डे पे क्लिक करना 14.83 पर डे हमारा ज्वाइनिंग है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सेम ड्यूरेशन भी चाहिए कि पर डे कितनी ड्यूरेशन पड़ रही है एवरेज, तो वही सेम मेजर्स की कैलकुलेशन पे हम जाएंगे और यहाँ पे यहां पे हम देते हैं सम, सम में हम देंगे ड्यूरेशन डिवाइड बाय, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं सर? मनीष जी आ रहा है सर, एकता जी आपको? जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने डेट को लिया और इसमें से माइनस कर दिया ताकि नंबर ऑफ डेज पता जाए कितना दिन का टोटल से है, क्योंकि यहाँ पे दिन कई बार रिपीटेड भी है, समझे? तो काउंट लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैक्स डेट और मिन डेट को यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। यहां से कार्ड को लेते हैं, उसके बाद यहां से आप ये जो आपको दिखा है कर्सर कॉलम चार्ट वो भी ले सकते हैं, और यहां मैं अपना कर्सर कॉलम चार्ट में मान लीजिए मैं नेम बाइट टोटल काउंट हम चाहते हैं, तो ये आपका नेम बाइस टोटल काउंट आ गया। फिर इसी के नीचे हम चाहते हैं एक और कर्सर कॉलम चार्ट, यहां से लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम नेम बाइस जी ड्यूरेशन ले लेते हैं, नेम और ड्यूरेशन ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जैसे अब यहाँ पे जैसे देखिए एक चीज ध्यान रखिए क्या लेना था, ये बहुत ज्यादा था तो हमने कॉलम चार्ट लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं ये चार्ट लेता हूँ और इसमें मैं रखता हूँ डिवाइस, मान लीजिए डिवाइस डिवाइस और हमने यहाँ पे ले लिया लॉग इन बराबर इसमें चीजें, तो इसमें हमने इसलिए लिया, एक चीज लेने का पर्पज ये है कि मेरे पास तीन या चार डिवाइस ही है इसलिए चीजें ले सकते ताकि कंटिन्यूशन दिख सके यहाँ पे। तो इसके जगह पे आप चाहो तो ये पाई चार्ट भी ले सकते हो, लेकिन डोनट चार्ट थोड़ा समझने में इजी होता है इसलिए इसको हम लेते हैं, अदरवाइज पाई चार्ट भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं ये लेता हूँ साइड वाइज लेता हूँ, साइड वाइज टोटल लॉग इन का उसके बाद मान लीजिए मुझे इसमें इस तरह से चार्ट आप ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन काउंट क्या दे देता हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे टारगेट, मतलब कि सेल का मिनिमम वैल्यू जो जीरो है मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि मेरा हाईएस्ट कितना होगा उसको छोड़ देते हैं, टारगेट आपका टारगेट क्या है तो आप एक काम कर सकते हैं मेजर्स में जाइए और यहां पे आप टारगेट डाल दीजिए, टारगेट
कि भाई मुझे जो है 1500 चाहिए था और इस टारगेट को उठाया और इस टारगेट वाले फील्ड में डाल दीजिए तो यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। फिर 1500 का टारगेट था और हमने इतना सेल किया। उसके बाद यहाँ पे आप जो है फुनल चार्ट और बहुत सारे चार्ट है, क्वार्टर फुनल चार्ट है, अपने अपने रिक्वायरमेंट से इसका यूज कर सकते। ये आ गया हमारा ए, इसके बाद साइट हो गया, प्रोडक्ट वाइज हम यहाँ पे ये दे देते हैं क्रीम ऐप। इसमें हम प्रोडक्ट को डालते हैं और यहाँ पे लॉग इन आवर को डालते हैं, लॉग इन आवर। अभी रिपोर्ट हमारा बना हुआ, बट इसमें आपने देखा कहीं रिपोर्ट का टाइटल नहीं, किसी रिपोर्ट का टाइटल यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। तो टाइटल आप यहाँ देख सकते, दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे होम पेज है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली सुजीत सर, इसमें मैं सिटी वाइज एक फिल्टर डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर और वो जो यूजर है जिसके साथ शेयर करूं, अगर उसको सिटी वाइज फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हैं। देखिए फिल्टर तो जरूरी यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए मैंने सिटी पे क्लिक कर दिया, मुजफ्फरपुर क्लिक कर दिया, तो पूरा रिपोर्ट इसी अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं इसमें तो, ये इसमें तो पूरी टेबल दिखानी पड़ रही है ना, पूरी टेबल यहाँ पे है। बट अगर इनकेस हम अगर कुछ ऐसा फिल्टर टाइप जैसे ड्रॉप डाउन टाइप या कुछ ऐसा बनाए, यहाँ पे आपका ये स्लाइसर होता है, स्लाइसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ले और स्लाइसर के इस्तेमाल करें। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा देखा है कि जैसे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है ना, वो पूरा नहीं दिखेगा, जब हम उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तब नीचे आएगा ऑप्शन, अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया बाकी हट गया। हां होता है, वो फिल्टर है ना, फिल्टरेशन बताऊंगा आपको इसके बारे में। ओके ओके, फिलहाल आप इस पे ये कर सकते हैं, सिटी वाइज चाहिए ना आपको, तो इसमें हम स्लाइसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज ज्यादा होती हैं वहाँ पे फिर एक पूरी टेबल इंसर्ट करना साइड में, फिर वो कई बार दिक्कत होती है। जैसे कि मैं अपने डेटा पे काम कर रहा था, मेरे करीब 250 वेंडर हैं। अगर मैं अपने सारे बायर्स का अपने वेंडर्स की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो मेरे पास 250 वेंडर हैं, 250 वेंडर मेरे को इसमें लिस्ट में यहाँ दिखेंगे नहीं स्लाइसर में, तो एनी अगर वो मेरे लिए ड्रॉप डाउन रहेगा और वो बायर जब मैं वो डैशबोर्ड शेयर करूँ उनके साथ तो बायर अपने उसको फिल्टर कर ले बस। हाँ हो सकता है, हाँ वो कर लेंगे, मैं वो चाह रहा था। ठीक है, बिना फिल्ट्रेशन के उसका यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया। अब यहाँ पे मैं कहीं अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया ना सर, वो सारी चीजें कवर करूंगा, प्रॉपर स्लाइसेस बनते हैं और बहुत भी और भी बहुत सारे केपीआई वगैरह है, उनके यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो फिलहाल आपने देखा है, अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं रिपोर्ट किस पीरियड से किस पीरियड में, तो यहाँ पे मैं मैनुअली लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे मेरा डेटा अकॉर्डिंग आ जाए, मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट, समझे, मिनिमम डेट एंड मैक्सिमम डेट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेजर पे गया, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे कुछ डेटा में कुछ तो है नहीं ना सर, इसलिए मेजर्स में यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम, फ्रॉम में मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे मिनिमम मिन और यहाँ पे हमने डेट और नीचे इसको स्क्रॉल किया और यहां से डेट को सिलेक्ट कर मारते हैं तो मिनिमम आ जाता है और फिर एक और मेजर्स पे जाते हैं और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे इसको मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम और यहां पे डेट, मिनिमम पहले लिया था ना सर, मैक्स लेंगे ना, हां मैक्स लेंगे, मैक्स
और यहाँ पे डेट डालते हैं, डेट लेते हैं, यहाँ पे हमने डेट को ले लिया। मैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में जाने के लिए टेबल फॉर्मेट में ही मैं लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम 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 इसको रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं ना सर कि ये आपका डेट टाइम सब आ रहा है, मुझे सिर्फ टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए। तो मैं फ्रॉम पे जाता हूँ और जैसे एक्सेल में फॉर्मेट की फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला है ना, ऐसे यहाँ फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी डेट को आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको डाल दिया तो इस तरह से आया। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूं और यहां पे इसको डाल दिया। जैसे और ऐसे ही मैं टू पे जाता हूं, सबसे पहले तो इसका मैं यहां पे फॉर्मेट लगा देता हूं, फॉर्मेट, और यहां पे मैं td/mmm/yo उसके बाद मैं 2 को लेता हूं और यहां पर रख देता हूं और टेबल से रख कर लेता हूं। अब मेरा रिपोर्ट फाइनल है। अब मैं इसको सबसे पहले तो पब्लिश करूंगा। फाइल को सेव भी करना होता है। पावर भी आई में इस रिपोर्ट किसी को रिपोर्ट भेजना, अगर इस रिपोर्ट को अरमानिस किसी को भेजना है आपको, अगर आपको किसी को भेजना है तो सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट को सेव एज पीडीएफ करके भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट में टेम्पलेट है और यहाँ पे एक्सपोर्ट इन द पीडीएफ, इसको पीडीएफ में करके भी भेज सकते हैं। कई सारे पावर बी आई अकाउंट बनाया जिस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। अब इस रिपोर्ट में आते हैं। हमारे रिपोर्ट अब इस रिपोर्ट को फाइल में आके मैं इसको पब्लिश और टू बेब भी कर सकता हूँ, बट मेरा क्या है ना एडमिन से परमिशन नहीं है सर, और मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है सर। एक्सपोर्ट टू पावरपॉइंट, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसको किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर इसको शेयर करना हो किसी को तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। अब इस रिपोर्ट को कोई पब्लिकली आसानी से देख सकता है। और आप जो बोल रहे थे सर ड्रॉप डाउन, ये देखिए आगे ड्रॉप डाउन सर,
मनीष जी फिल्ट्रेशन में आपने ड्रॉप डाउन में लगाया, आपने ड्रॉप डाउन या फिर मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो वो भी मैं रिपोर्ट इस तरह से देख सकता हूँ। हेलो यस सर क्लियर है। रहा एम्बेड कोड, ये रहा वेबसाइट का, मैं एम्बेड कर दिया और मैंने प्रीमियम पे कर दिया है रिपोर्ट का। ये रहा वेब ऑप्शंस, अब इसको आप किसी भी इस पे रन कर लीजिए। वेबसाइट में सॉरी एम्बेड है सर, इसमें एम्बेड का मतलब हुआ कि आप किसी वेबसाइट पे उसको एम्बेड कर सकते, एम्बेड इन शेयर पॉइंट, आप शेयर पॉइंट में एम्बेड कर सकते हो उसको, आप पब्लिश टू बेम, लेकिन इसके लिए मुझे जाके परमिशन ग्रांट करना पड़ेगा एडमिन में जाके। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि बार बार मैं जब खोलता हूँ एडमिन में दिक्कत हो जाती है सर, तो एक बार मैं एडमिन से जाके इसको एक बार ग्रांट कर दूंगा तो इसको पब्लिश टू बेम भी कर सकते। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो। शेयर मतलब कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ईमेल आईडी बताएंगे सर अपना अपना? मनीष MNISH मनीष डॉट के यू डॉट कुमार का के हाँ डॉट दुबे DUBY एट द रेट live.com live बताएंगे। हेलो यस सर, एक था IKTA डॉट MAURYA Yes, at the rate ESEG इस पे भेजना है। IESEG.FR आप लोगों की रिपोर्ट कहाँ दिखेगा? शेयर विथ मी में, ठीक है? शेयर विथ मी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट दिख जाएगा। ओके, रिपोर्ट को फिर आगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज और ट्राई कर रहा था मैं, शेयर पॉइंट से अपना लिंक कर रहा था फोल्डर को। हेलो जी सर। हाँ, मैं शेयर पॉइंट से लिंक करने की ट्राई कर रहा था, बट उसमें मतलब वो रूट फोल्डर का मांगता है, रूट फोल्डर के बाद उसकी सारी फाइलों के नेम दिखा देता है सीधा।
आपने फोल्डर का लिंक दिया ना, तो वहां से कौन फोल्डर तक कौन सा फाइल चाहिए वो देखना है ना सर। नहीं नहीं तो वो मैं जो मेन फोल्डर है जिसमें जहाँ पे मैंने फाइल रखा है उसका तो लिंक ले ही नहीं रहा, वो मना कर रहा है, वो बोला सिर्फ रूट फोल्डर का यहाँ डिफाइन करो। जब रूट फोल्डर का डिफाइन करके मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने आईडी से करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें उस रूट फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें हैं वो सारी दिखा दे रहा है। ओके तो आप, हाँ तो एक मिनट, आपने जो डेटा कनेक्ट किया है ना सर, गेट डेटा में आपने यहाँ पे गेट डेटा कराया, तो आपने शेयर पॉइंट का फोल्डर लिया है, क्या लिया है? शेयर पॉइंट का फोल्डर लिया है। अब मेरे को कोई पर्टिकुलर फाइल करनी है देन शेयर पॉइंट से? अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल करनी है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है, इसमें शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट दिख रहा है आपको, इसको यूज कर सकते। नहीं इससे भी कर रहा हूँ तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि जब मैं पूरा उसका यूआरएल पूरा जो एड्रेस डाल रहा हूँ तो फोल्डर का एड्रेस नहीं बताइए, आप फाइल का यूआरएल डालिए ना, फाइल का यूआरएल डालिए, फाइल का नहीं, मैं पूरी फाइल का ही दे रहा हूँ। मैं शेयर करूँ अपनी स्क्रीन आपके साथ, एक मिनट एक मिनट। जैसे कि अब मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा खोलता हूँ, नॉट नाउ, मैं जब यहाँ से गेट डेटा कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट आपने डाउनलोड कर लिया है? मैं रिपोर्ट आपने डाउनलोड कर लिया, यार डेटाबेस नहीं, डेटाबेस नहीं, यहाँ पे आइए ना, इसमें ऑनलाइन सर्विसेज में डेटा आ गया ना, ऑनलाइन लिस्ट पे जाइए, शेयर पॉइंट लिस्ट नीचे जा रहा है ना, उस पे कनेक्ट कीजिए, यहां पे यूआरएल, यहां पे जो मेरा यूआरएल है वो ये है, कंप्लीट यूआरएल ये है, फॉर एग्जांपल इस ऊपर फाइल का यूआरएल चाहिए, नहीं नहीं आप तो इसका फेयर पॉइंट का फाइल का यूआरएल दीजिए ना, कौन से फाइल को लेना है उसको यूआरएल होता है उसका यूआरएल। एक मिनट, इसके लिए मेरे को एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, एक एक बार फाइल काम कीजिए ना, एक बार पूरी फोल्डर लिख दीजिए तो देखता हूँ क्या आता है। हेलो मनीष जी, हेलो मनीष जी, मनीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ सर आ रही है, आ रही है, हेलो मेरी आ रही है सर? हाँ एक बार पूरा फोल्डर लिख दीजिए तो, एक दिमाग में आया दो, पूरा फोल्डर, अच्छा ठीक है, इसी पहले इसका लिंक दीजिए, जो लिंक है आपका इसका दीजिए, सब पूरा फोल्डर लिंक दीजिए एक बार, जो आपका फोल्डर, जिस फोल्डर का डेटा है, जिसमें फाइल है आपकी। ये रहा पावर बी आई, ये हो गया, ये है, इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी लिंक, ये लिंक आ गया, कॉपी कर लिया, पावर भी चाहिए, जब मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना तो ये ओके कीजिए, रिट्राई द यूआरएल, इसमें आपने गलत किया है, एक मिनट इसको एक बार कैंसिल कीजिए, पावर बी आई फोल्डर लिंक पे जाइए, ना
अपने पावर पॉइंट लिंक पर आ गया, पावर पॉइंट फुल कर लिखा, इसे पेज कीजिए पर ओके कीजिए। URL is not valid. और इसी को ये बोलता है बार बार जब मैं इसके डिटेल में जाता हूँ तो ये बोलता है कि इसका सिर्फ रूट फोल्डर लो, रूट फोल्डर बोले तो यहाँ तक, सिर्फ ये यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन तक। इसको करूंगा तो इसे फटाक देने से ले लेगा ये, लेकिन फिर इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर मैं भी इसको यहाँ ये करता हूँ इतने को सिर्फ, अब ये ले गया या कंबाइन के नीचे देखिए तो लोड एंड कंबाइन के नीचे आएगा एडिट। हाँ एडिट पे जाइए, नहीं नहीं लोड एंड एडिट पे भी नहीं हो रहा है तो ये फाइल का, ये बहुत बहुत सारी फाइलें हैं ये। हाँ समझ गया, बेसिकली फाइल का लिस्ट ले, फाइल का लिंक लीजिए एक बार। चलिए लिस्ट, हाँ फाइल का लिंक लीजिए, फोल्डर का लिंक किसी एक फाइल का, किसी को ले लीजिए कॉपी लिंक। फिर ये एरर दे देता है ये वाला, प्लीज प्लीज एंटर अ वैल्यू। उस फोल्डर में सर डिफरेंट काइंड की फाइल्स थी ना। अच्छा, इसको आपने शेयर किया हुआ है, इसको शेयर का ऑप्शन करना पड़ेगा। मैं इसको आपने ऐसा नहीं रखा है सिर्फ कहीं एम्बेड का एक इसका प्रॉपर्टी भी होता है ये, इसमें ये हमारा ये सबके साथ शेयर्ड है, ये कोई भी जिसको इस फोल्डर का एक्सेस है वो उसको डाउनलोड कर सकता है, इसको एडिट कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। इसका एक बार देख लेता हूँ, फिलहाल आप इसका ये कर सकते हैं कि इसको एक्सेल से लिंक कर दीजिए, एक्सेल को इससे कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं, समझे? फिलहाल इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसको एक्सेल से, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंपोर्ट कर लीजिए। डाउनलोड नहीं सर, इंपोर्ट बोलते हैं, मैं एक्सेल में जाकर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, एक बार रिसर्च में बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था मैंने सेल पॉइंट यूज नहीं किया है, तो मैं एक बार खुद से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, हेलो। तो फिलहाल जो है एफ जो आपने भेज दिया है इस पे आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इस तरह का बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम कल से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इस बैच में। ओके ठीक है, एकता जी, मनीष जी, यस सर, फिलहाल जो मैं डैशबोर्ड दिया है उसका यूज कीजिए। ओके सर।